कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। बस से चिंतन शिविर स्थल पहुंचने के दौरान राहुल गांधी के पीछे की सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री ताम्रध्वज साहू थे। यही नहीं, कार्यक्रम में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बगल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जगह मिली है। चिंतन शिविर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को अधिकार दिया। लोगों को अधिकार देने पर कांग्रेस का भरोसा है। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा कानून RTI RTE कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के न्याय मॉडल को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू किया है। इसे देश के सामने पेश करने की जरूरत है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 8 सालों में कितना और किसका विकास हुआ, यह सबके सामने है। देश को विकास की नई परिभाषा देने का वक्त है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और राजेश तिवारी शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सख्त लिहाजे से कहा कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है। सोनिया ने कहा कि ऐसा समय आया है कि हमें संगठन के हितों के लिए काम करना होगा। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए अजय माकन ने कहा कि एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट तभी मिलेगा जब वह संगठन में कम से कम 5 साल तक काम करे। कोई भी व्यक्ति जो लगातार पद धारण कर रहा है उसे पद छोड़ना होगा और उस व्यक्ति को उसी पद पर वापस आने पर 3 साल की कूलिंग अवधि होगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को नव संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया गया है। इसमें 2024 के आम चुनावों की रणनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने और आने वाली चुनावी चुनौतियों के लिए तैयारी पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 6 विषयों राजनीतिक, संगठन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, युवा, कृषि पर मैराथन चर्चा होगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव उद्योगपति अडानी को देकर राहुल और सोनिया गांधी की चिंता घटा दी है। राहुल सोनिया अपने चिंता मोचन होनहार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस हुनर से काफी प्रसन्न है। साय ने कहा कि कांग्रेस की चिंता देश भर में उनकी जर्जर हालत को लेकर नहीं है। उनकी मूल चिंता यह है कि कैसे उद्योगपतियों को अपकृत कर फंड बटोरा जाए। यह काम भूपेश बघेल बखूबी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।